Hello students, this is Shruti. Hope you all are good and utilizing your time in studies. So today we are going to start a new topic which is going to deal with the English literature, and also it is our second chapter, The Little Prince. This chapter is just a part of a book, The Little Prince, written by Antonio de Saint. In this chapter we will know something about the adventure and the imagination of the little prince. Now let's start the chapter. Once when I was 6 years old, I saw a magnificent picture in a book called True Stories from the Nature about the Parable Forest. Now, someone is telling about his story, what he was saying, that when I was 6 years old, then I saw a magnificent picture in a book, which is the True Stories book ka kya naam tha? True Stories from the Nature. और वो जो बुक लिखी गई थी वो पैरमिल फॉरेस्ट के ऊपर लिखी गई थी. वो एक ऐसा फॉरेस्ट है जिसकी एग्जिस्टेंस तब से है जब से अर्थ है, मतलब जब से अर्थ है तब से वो फॉरेस्ट है. इट वॉज़ अ पिक्चर ऑफ बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर इन द एक्ट ऑफ स्वॉलोइंग एन एनिमल. ये इस एक पिक्चर आपको बुक में दिख रही है या पेज पर दिख रही है, जिसमें एक बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब बहुत ही बड़ा एक स्नेक है, एक सांप है जिसको हम बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर बोलते हैं. उसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे वो सांप एक एनिमल को स्वेलो कर रहा है, मतलब कि निगल रहा है. हेयर इज़ द कॉपी ऑफ ड्राॅइंग, आप देख सकते हो ड्राॅइंग बनी हुई है. इन द बुक इट इज़ सेड बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर सोलो दिया प्रे होल. बुक में ऐसा लिखा था कि जो बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर होता है वो अपने शिकार को, प्रे का मतलब शिकार को, पूरा का पूरा निगल लेता है विदाउट च्यूइंग इट, बिना चबाए. आफ्टर दैट दे आर नॉट एबल टू मूव एंड दे स्लीप थ्रू द 6 months दैट दे नीड फॉर डाइजेशन. कि जब बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर अपने शिकार को निगल लेता है, उसके बाद वो निगल लेता है तो वो हिलने के भी काबिल नहीं होता, वो हिल भी नहीं पाता, और फिर वो लगभग 6 महीने के लिए सो जाता है. 6 महीने के लिए क्या, आप ये कह सकते हैं कि जब तक वो फूड उसका डाइजेस्ट नहीं होता तब तक के लिए वो सो जाता है. अब फूड कितने दिन में डाइजेस्ट होगा ये तो उसके साइज़ के हिसाब से है कि कितना बड़ा उसने क्या कैसे खाया है. सो लेट्स मूव ऑन. आई पॉन्डर डीपली देन ओवर द एडवेंचर ऑफ द जंगल. मतलब कि पॉन्डर्ड का मतलब होता है थॉट केयरफुली. वो बहुत ही केयरफुली सोच रहा था और बहुत ही गहराई में सोच रहा था कि जंगल में कैसे कैसे एडवेंचर होते हैं. एंड आफ्टर सम वर्क विद अ कलर्ड पेंसिल आई सक्सीडेड इन मेकिंग माई फर्स्ट ड्राॅइंग. और सोचते सोचते वो एक ड्राॅइंग बना रहा था. काफ़ी सोचने के बाद और काम करने के बाद वो अपनी कलर पेंसिल के थ्रू के हेल्प से एक अपनी फर्स्ट ड्राइंग बनाने में सक्सेस हुआ. माय ड्राइंग नंबर वन, उसकी ड्राइंग नंबर वन. इट लुक समथिंग लाइक दिस, यू कैन सी द पिक्चर. वो कुछ ऐसी दिख रही थी. आई शोड माय मास्टरपीस टू द ग्रोन अप्स. उसने अपने से बड़ों को वो अपनी जो उसने बनाया था जिसको वो मास्टरपीस बोल रहा था उनको दिखाया. एंड आस्क्ड देम, और उनसे पूछा वेदर द ड्राइंग फ्राइटेंड देम, कि क्या उन्हें ड्राइंग से डर लगा. बट दे आंसर, लेकिन उन्होंने क्या आंसर दिया, फ्राइटेंड, डर. वाई शुड एनी वन विद फ्राइटेंड बाई हैट. कोई हैट से क्यों डरेगा, मतलब कि वो ड्राइंग जो उसने बनाई थी वो उनको एक हैट की तरह लग रही थी, एक टोपी की तरह लग रही थी. सो दे सेड कि एक हैट से क्यों कोई डरेगा. माय ड्राइंग वाज नॉट अ पिक्चर ऑफ अ हैट. मेरी ड्राइंग कोई हैट की पिक्चर नहीं है. इट वाज अ पिक्चर ऑफ बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर डाइजेस्टिंग एन एलिफेंट. ये जो उसने पिक्चर बनाई थी उसमें वो ये शो करना चाहता था कि कैसे एक बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर, एक सांप, एक हाथी को निगल लेता है और उसको धीरे धीरे डाइजेस्ट करता है. बट सिंस द ग्रोन अप्स वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट. लेकिन जो ग्रोन अप्स थे, जो बड़े थे, वो इसको समझ ही नहीं पा रहे थे. आई मेड अनदर ड्राॅइंग. क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे इसलिए उसने क्या किया, दूसरी ड्राॅइंग बनाई. आई ड्रू द इनसाइड ऑफ अ बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर. उसने बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर के अंदर का पार्ट या अंदर जो था वो ड्रॉ किया. सो दैट द ग्रोन अप्स कुड सी इट क्लियरली. जिससे कि ग्रोन अप जो बड़े थे वो उसको क्लियरली देख पाए. दे ऑलवेज नीड टू हैव थिंग्स एक्सप्लेन. बड़े जो होते हैं, मतलब उसका सोचना ये था कि बड़ों को जब तक पूरी चीज़ें ना समझा तब तक वो नहीं समझ पाते. माई ड्राॅइंग नंबर टू लुक लाइक दिस. नाउ सी द ड्राॅइंग. उसकी जो ड्राॅइंग नंबर टू थी वो इस तरह दिखती थी. द ग्रोन अप्स रिस्पॉन्स दिस टाइम वॉज टू एडवाइज मी टू ले असाइड माई ड्राॅइंग्स ऑफ बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर. अब क्या हुआ कि उसने जब बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर को दिखाया तो उन्होंने, जो बड़े थे उन्होंने एडवाइस दी उसे कि उसे बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर की ड्राइंग को असाइड कर देना चाहिए, मतलब ये दिमाग से उसको निकाल देना चाहिए, ऐसी ड्राइंग उसको किनारे कर देनी चाहिए.
वेदर फ्रॉम द आउटसाइड और द इनसाइड, दोनों ही, कि पहले उसने आउटसाइड बना के दिखा इनसाइड, मतलब कुल मिला के उनका ये कहना था कि उसको अब ये ड्राइंग बनाने के बारे में या ये वो कॉन्स्ट्रक्टर की चीज़ें किनारे करके कुछ और करना चाहिए. एंड डिवोट माई सेल्फ इंस्टेड टू ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अर्थमेटिक एंड ग्रामर. इसके इसको किनारे करके उसे ये सोचना चाहिए कि उसे ज्योग्राफी कैसे पढ़नी है, उसे हिस्ट्री कैसे पढ़नी है, उसे अर्थमेटिक और ग्रामर कैसे पढ़ना है. कुल मिला के ग्रोन अप ये कहना चाहते थे कि ये सब छोड़ के तुम पढ़ाई पे ध्यान दो. दैट इज़ वाई एट द एज ऑफ 6 आई गेव अप दैट माइट हैव बीन अ मैग्निफिकेंट करियर एज अ पेरेंट. वो सोचता है कि इसीलिए मैंने 6 साल की उम्र में गेव अप कर दिया, नहीं तो मैं एक बहुत ही अच्छा पेंटर करियर बना सकता था, पेंटिंग में बहुत ही अच्छा पेंटर बन सकता था. आई हैड बीन डिसहर्टेंड बाय द फेलियर ऑफ माई ड्राॅइंग नंबर 1 एंड माई ड्राॅइंग नंबर 2. उसे बहुत ही बुरा लगा था, बहुत ही डिसअपॉइंट था कि उसकी जो ड्राइंग थी, ड्राइंग नंबर 1, ड्राइंग नंबर 2 दोनों फेल हो गई थी. ग्रोन अप्स नेवर अंडरस्टैंड एनीथिंग बाय देमसेल्फ. उसे ऐसा लग रहा था कि जो बड़े होते हैं वो कभी भी कोई चीज़ खुद से नहीं समझ पाते. एंड इट इज़ ट्राइसम फॉर चिल्ड्रेन टू बी ऑलवेज एंड फॉर एवर एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू देम. और ये बहुत बोरिंग होता है बच्चों के लिए कि वो बड़ों को अपनी बातें हर वक्त समझाते रहें. बच्चों को ऐसा लगता है ना कि बड़े उनकी बात नहीं समझते, तो वो और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देते हैं. तो वो यही सोच रहा था कि बड़े उसकी बात नहीं समझ रहे हैं. सो देन आई चूज अनदर प्रोफेशन एंड लर्न टू पायलट एरोप्लेन. उसने फिर अनदर प्रोफेशन चुना, उसने पायलट बनने की सोची. आई हैव फ्लोन अ लिटिल ओवर ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. वो लगभग पूरे वर्ल्ड के हर एक पार्ट पे उड़ चुका था. एंड इट इज़ ट्रू दैट ज्योग्राफी हैज़ बीन वेरी यूजफुल टू मी, ही सेड. कि ये बात सही थी कि ज्योग्राफी ने उसकी बहुत हेल्प की. एट अ ग्लैंस आई कैन डिस्टिंग्विश चाइना फ्रॉम एरिजोना. एक वक्त ऐसा आया कि उसने डिस्टिंग्विश कर पाया चाहे कि चाइना कौन सा, एरिजोना कौन सा. एरिजोना आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पार्ट है, चाइना चाइना है, आप जानते ही हो. इफ़ वन गेट्स लॉस्ट इन द नाइट सच नॉलेज इज़ वैल्यूएबल. अगर कोई रात में खो जाता है तो इस चीज़ की नॉलेज होना बहुत अच्छा होता है. मतलब ये क्या होता है, जब कोई खो गया है तो उसके पास अगर नॉलेज है तो वो एक बार बच सकता है. इसलिए ज्योग्राफी की नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. इन द कोर्स ऑफ दिस लाइफ आई हैव अ ग्रेट मीनिंग एनकाउंटर्स विद अ ग्रेट मैनी पीपल हु हैव बीन कंसर्न्ड विद मैटर्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस. अब उसकी लाइफ में इतनी चीज़ें हो गई थी, उसने जो प्रोफेशन नेक्स्ट प्रोफेशन चुना उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें कि उसने कई कई तरीके के लोगों से मिला और अलग अलग तरीकों, मतलब कि जो उसका एक वो था बोआ कॉन्सेप्टर के बारे में, जो उसकी एक पहले से पेंटर बनने की शौक थी, वो सब उसने हटा दिया. उसके अलावा कई सारी चीज़ों को क्या दिया, इंपॉर्टेंस दिया. आई हैव लिव्ड अ ग्रेट डील अमंग ग्रोन अप्स. आई हैव सीन देम इमेजिनरी इंटीमेटली क्लोज एट हैंड. उसने कहा कि मैंने बहुत तरह के बड़े लोगों से मुलाकात की, उनसे मतलब बहुत ही क्लोजली उनसे मीट किया. एंड दैट हैजंट मच इम्प्रूव माई ओपिनियन ऑफ देम. फिर भी उसका जो बचपन का ओपिनियन था कि जो बड़े होते हैं उनको चीज़ें समझानी पड़ती है, वो खुद से नहीं समझते, वो नहीं बदले. उसका कहने का मतलब था कि उसने करियर चेंज किया, तरह तरह के लोगों से मिला, बहुत लोगों से मिला, फिर भी उसका ये ओपिनियन नहीं चेंज हुआ कि बड़े तब तक कुछ नहीं समझते जब तक उन्हें कुछ समझाया ना जाए, वो खुद से कुछ भी नहीं समझ पाते. उसका ये ओपिनियन वैसे का वैसा ही था. Whenever I met one of them who seemed to me at all clear-sighted, I tried the experiment of showing with my drawing number 1, which I have always kept. जब भी उसे लगता कि वो किसी ऐसे इंसान से मिल रहा है जिसकी क्लियर साइटेड हो, मतलब जो इंटेलिजेंट हो, तो उस पर एक एक्सपेरिमेंट करता. एक्सपेरिमेंट ये करता कि उन्हें अपनी drawing number 1 दिखाता और पूछता कि ये क्या है. drawing number 1 वो हमेशा अपने पास रखता था. I would try to find out so if this was a person of true understanding, but whoever it was, he or she would always say that is a hat. वो हमेशा देखना चाहता था कि वो जिसको भी दिखा रहा है, जिसको इंटेलिजेंट समझता उसी को दिखाता, और फिर जिसको दिखाता वो सोचता कि क्या ये इतना इंटेलिजेंट है कि ये मेरी ड्राइंग समझ पाए. लेकिन उसने जितने लोगों को दिखाया, वेदर ही इज़ अ ही और ही इज़ अ शी, मीन्स चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो उसे हैट ही समझते. देन आई वुड नेवर टॉक टू दैट पर्सन अबाउट बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर और प्रिमोल फॉरेस्ट. और जब वो हैट समझते उसके बाद वो कभी उनसे आगे बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर और पेरिमेल फॉरेस्ट की बात ना करता या किसी स्टार की बात ना करता. आई वुड ब्रिंग माई सेल्फ डाउन टू दिस लेवल. वो अपने आप को इतना नीचे तक ले आ चुका था. आई वुड टॉक टू हिम अबाउट द ब्रिजेस एंड द गोल्फ एंड पॉलिटिक्स एंड नेक्टिक्स. इट मीन्स वो अपने आप को इतना नीचे ला चुका था कि वो अपने जो उसकी जिसका पैशन था, जिसके बारे में वो बात करना चाहता था, उसके बारे में बात ना करके वो हमेशा उन लोगों के ब्रिजेस के बारे में, ब्रिजेस का मतलब जो एक कार्ड गेम होता है, यहाँ पे ब्रिज का मतलब है अ कार्ड गेम फॉर 4 प्लेयर्स हु मेक 2 टीम्स, गोल्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, तो सिर्फ ऐसी सी चीज़ें बात करता रहता था.
एंड द ग्रोन अप वुड ग्रेटली प्लीज टू हैव मेट सच अ सेंसिबल मैन। और वो इस तरह की बात करता था जो ग्रोन अप्स मैन को पसंद होती थी, इसलिए उन्हें लगता था कि वो किसी सेंसिबल इंसान से मिल रहे हैं। सो आई लिव माई लाइफ अलोन। तो उसकी जो खुद की लाइफ थी वो अकेले ही जीता था, विदाउट एनी वन दैट आई कुड रियली टॉक टू। उसके पास ऐसा कोई नहीं था जिससे वो सच में बात कर सकें। अंटिल आई हैड एन एक्सीडेंट विद माई प्लेन इन द डेजर्ट ऑफ सहारा। ऐसा उसके साथ तब तक हुआ, एक बार उसका एक्सीडेंट हो गया डेजर्ट ऑफ सहारा में 6 साल पहले। समथिंग वॉज ब्रोकन इन माई इंजन, कुछ उसके इंजन में टूट गया था। एंड एज आई हैड विथ मी नाइदर अ मैकेनिक नॉर एनी पैसेंजर, उसके साथ मेरे साथ, जैसा कि वो बता रहा है कि मेरे साथ ना ही कोई मैकेनिक था ना ही कोई पैसेंजर था। आई सेट माई सेल्फ टू अटेंड द डिफिकल्ट रिपेयर्स ऑल अलोन। उसे खुद को ही करना था कि कैसे वो उसको रिपेयर कर सकता है अकेले ही। इट वॉज़ अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ और डेथ फॉर मी। ये मेरे लिए लाइफ या डेथ का एक क्वेश्चन बन गया था कि या तो मैं उसको छोड़ दूँ, मतलब या तो वो मर जाता वहाँ पे उसको सही ना करता, या तो उसको सही करके वो बच के वापस चला जाता। आई हैड स्कार्सली एनफ ड्रिंकिंग वाटर टू लास्ट अ वीक। उसके पास लगभग एक हफ्ते का पानी था। द फर्स्ट नाइट देन आई वेंट टू स्लीप ऑन द सैंड 1000 miles फ्रॉम एनी ह्यूमन हैबिटेशन। पहली जो उसकी रात थी वो उसने सैंड पे सोकर बिताई, और वो ऐसी जगह था जहाँ से हजारों माइल पर भी कोई ह्यूमन हैबिटेशन, मतलब कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं थी। आई वॉज मोर आइसोलेटेड देन अ स्पिकरेक्ट सेलर ऑन अ राफ्ट इन द मिडिल ऑफ द ओशन। मतलब वो अपने आप को इतना अकेला महसूस कर रहा था कि उसे लग रहा था इससे अच्छा तो मैं किसी ओशन के मिडिल में अकेला बैठा होता किसी फ्लैट बोट पे, मतलब इससे भी ज़्यादा वो अकेला वहाँ पे महसूस कर रहा था। दस यू कैन इमेजिन माई अमेजमेंट एट सनराइज व्हेन आई वॉज अवोकन बाय अ ऑड लिटिल वॉइस इट सेड। इसीलिए आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब मैं सुबह उठा, जब मैंने सनराइज देखी, सन को देखा, तो मैं कितना अच्छा महसूस कर रहा हूँगा। लेकिन वो उठा कैसे था, उसे बहुत प्यारी सी किसी छोटे बच्चे की आवाज़ सुनाई दी थी। क्या सुनाई दी थी? इफ़ यू प्लीज़ ड्रॉ मी ए शीप, कि क्या आप मेरे लिए एक शीप ड्रॉ कर देंगे। वॉट, ड्रॉ मी ए शीप, उसने पूछा क्या, तो उसने कहा कि ड्रॉ मी ए शीप, मेरे लिए एक शीप ड्रॉ कर दीजिए। आई जम्प टू माई फीट कम्प्लीटली थंडर स्ट्रक, वो जल्दी से एकदम शॉकिंगली खड़ा हो गया। आई ब्लिंक माई आईज हार्ड, जैसे सुबह सुबह क्या होता है आँखें थोड़ा मुश्किल से खुलती हैं, तो उसने अपनी आँखें खोली। आई लुक केयरफुली ऑल अराउंड मी, मैंने अपने चारों तरफ देखा एंड आई सॉ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मॉल पर्सन हु स्टूड देयर एग्जामिनिंग मी विथ ग्रेट सीरियसनेस। उसने चारों तरफ देखा, उसने देखा कि उसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मॉल पर्सन, उसके जस्ट बगल एक बहुत ही छोटा सा इंसान खड़ा था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मॉल मतलब ये नहीं कह सकते कि आप बच्चा था, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मॉल था, उससे भी ज़्यादा छोटा था। वो एकदम उसके बगल खड़ा था, उसको ध्यान से एग्जामिन कर रहा था बहुत ही सीरियस होके कि क्या है ये। हेयर यू मे सी द बेस्ट पोर्ट्रेट दैट लेटर आई वॉज एबल टू मेक ऑफ हिम। नीचे उसने एक पोर्ट्रेट बनाया है, पिक्चर बनाई है, ये उसी तरह बनाने की कोशिश की जिस तरह से उसने देखा था। माई ड्राॅइंग इज़ सर्टेनली वेरी मच लेस चार्मिंग देन इट्स मॉडल, लेकिन वो ये कह रहा है कि मेरी ड्राॅइंग भी उतनी अच्छी नहीं है, उससे कम चार्मिंग है, जितना ज़्यादा वो चार्मिंग लग रहा था इतना ज़्यादा वो अच्छा लग रहा था। That, however, is not my fault. The grown-ups discouraged me in my painter's career when I was 6 years old, and I never learned to draw anything except boas from the outside and boas from the inside. और वो ये कहता है कि ये जो मॉडल मुझसे थोड़ा सा लेस चार्मिंग बना उसमें मेरी गलती नहीं है, वो ग्रोनअप्स की गलती है, क्योंकि उन्होंने इतना मुझे डिस्करेज किया पेंटर के करियर में, उन्हें मना कर दिया कि पेंटिंग का करियर अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। मैं 6 साल का था, मैंने तब से सिर्फ एक ही ड्राॅइंग बनाई थी, या तो बोआज के अंदर की ड्राॅइंग या तो बोआज के बाहर की ड्राॅइंग। अगर मैं उसे ये लगता कि अगर मैंने प्रैक्टिस की होती तो मैं एक बहुत ही अच्छा पेंटर होता। नाउ आई स्टेयर्ड एट दिस सडन एपार्टीशन विद माई आईज फेयरली स्टार्टिंग आउट ऑफ माई हेड इन द एस्टोनिशमेंट। अब मैंने उस घेरा, वो जो एक मतलब कि अपीयरेंस थी मेरे सामने कि वो जो इंसान, वो जो बच्चा मेरे सामने खड़ा था, उसको मैंने स्टेयर्ड किया, मतलब घूरा उसे मैंने, वो जो अपीयरेंस मेरे सामने थी बहुत ही मतलब महसूस ऐसा घूरा था कि जैसे लग रहा था मेरी आँखें बाहर आ गई। रिमेंबर आई हैड क्रैश्ड इन द डेजर्ट 1000 miles फ्रॉम एनी इनहैबिटेड रीजन। वो ये सोच रहा था कि वो ऐसी जगह क्रैश हुआ था जहाँ हज़ारों किलोमीटर तक कोई भी ह्यूमन इनहैबिटेंस नहीं था, तो यही सोचा था कि यहाँ ये कैसे आ गया। एंड येट माई लिटिल मैन सीम नाइदर टू बी स्ट्रेंग आर सेंटनली एमंग द सैंड्स नॉट टू फेंडिंग फ्रॉम फैटिक और हंगर और थ्रस्ट और फियर।
मतलब कि उस बच्चे को देख के ऐसा लग रहा था, ना ही वो कहीं से खोया हुआ लग रहा था या ये होता कि वो भी खोया हुआ है उसकी तरह, ना ही वो ऐसा लग रहा था कि बहुत दिन से खाया पिया नहीं है, बहुत दिन से पानी नहीं मिला है या उसे डर है किसी चीज़ का। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे क्या होता है वो उसी जगह का ही हो, वो वहीं रह ही रहा हो। उसको देख के कहीं से ये नहीं लग रहा था कि वो वहाँ पे गलती से आ गया या फंस गया है या बहुत दिन से उसे खाना नहीं मिला है खाने को, या वो भूखा है या वो प्यासा है। नथिंग अबाउट हिम गेव एनी सजेशन ऑफ अ चाइल्ड लाइफ लॉस्ट इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट। उसको देख के कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बच्चा डेजर्ट में खो गया है, 1000 miles फ्रॉम एनी ह्यूमन हैबिटेशन, बहुत ही दूर, जो कि ह्यूमन हैबिटेशन से बहुत दूर की जगह है। व्हेन एट लास्ट आई वॉज एबल टू स्पीक आई सेड टू हिम, जब लास्ट में मैं थोड़ा सा बोलने लायक हुआ तो मैंने उससे कहा, बट वॉट आर यू डूइंग हियर, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एंड इन आंसर ही रिपीटेड, और आंसर में उसने रिपीट किया वेरी स्लोली एज इफ ही वॉज स्पीकिंग ऑफ अ मैटर ऑफ ग्रेट कॉन्सिक्वेंस। और फिर से वो वही चीज़ बोलता है, मतलब और कुछ भी नहीं बोलता, इफ़ यू प्लीज़ ड्रॉ मी ए शिप, कि क्या आप मेरे लिए एक शिप ड्रॉ कर दोगे। व्हेन अ मिस्ट्री इज़ टू ओवर पावरिंग वन डेयर नॉट डिसओबे, एब्सर्ड एज इट माइट सीम टू मी 1000 miles फ्रॉम एनी ह्यूमन हैबिटेशन एंड इन डेंजर ऑफ डेथ। मतलब वो ये सोचा था कि कैसा है ये, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इतनी दूर हूँ ह्यूमन हैबिटेशन से, मरने का खतरा है मेरे पास, और फिर भी कैसे सिली चीज़ें बोला, एब्सर्ड मतलब सिली और इम्पॉसिबल टू बिलीव था उसके लिए। आई टेक आउट माई पॉकेट अ शीट ऑफ पेपर एंड माई फाउंटेन पेन, तो उसने क्या किया, अपने पॉकेट से एक शीट ऑफ पेपर निकाला, फाउंटेन पेन निकाली, बट देन आई रिमेंबर्ड हाउ माई स्टडीज हैड बीन कॉन्सेंट्रेटेड ऑन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अर्थमेटिक एंड ग्रामर, एंड आई टोल्ड अ लिटिल चैप अ लिटिल क्रॉसली टू दैट आई डिड नॉट नो हाउ टू ड्रॉ। तो उसने क्या किया, तभी उसे याद आया कि वो कैसे कंसंट्रेट होकर पढ़ा करता था ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अर्थमेटिक, ग्रामर। यहाँ पे उसको कहने का ये मतलब है कि वो इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं, उसके बाद उसने प्रैक्टिस की थी, उसने यही चीज़ उस बच्चे को बताई कि मुझे ड्राइंग करना नहीं आता। ही आंसर्ड मी, उसने मुझे आंसर दिया, दैट डजेंट मैटर, ड्रॉ मी ए शीप। वो कहता है कि इस मुझे इससे मतलब नहीं है, आप बस मेरे लिए एक शीप को ड्रॉ करिए। बट आई हैड नेवर ड्रॉन अ शीप। अब वो सोचता कि मैंने तो कभी शीप ड्रॉ की ही नहीं। So I draw for him one of the two pictures I had drawn so often. It was that of boa constrictor from the outside, and I was astounded to hear the little fellow greeted with. उसे क्या लगा कि उसने वो drawing दिखाई कि मैंने ऐसी दो drawing draw की है, तुम देख लो। उसने boa constrictor की outside से picture दिखाई और वो बहुत ही shocked रह गया जो उस बच्चे ने बात कही। नो 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 आई, मतलब कि उसने सिर्फ दिखाया था, उसने बताया नहीं था कि ये किस चीज़ की ड्राइंग है। तो वो बच्चा बोलता है, नो 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 आई डू नॉट वांट एन एलिफेंट इनसाइड अ बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर। वो बच्चा देखते ही समझ जाता है कि किस चीज़ की पिक्चर है। वो बोलता है, नहीं नहीं मुझे बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर की पिक नहीं चाहिए जिसमें एलिफेंट उसके अंदर हो। अब बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर इज़ अ वेरी डेंजरस क्रिएचर, ये एक बहुत ही डेंजरस क्रिएचर है, एंड एन एलिफेंट इज़ वेरी कम्बसोम, कम्बसोम का मतलब बहुत ही बड़ा, हैवी और डिफ़िकल्ट टू मूव ऐसा एनिमल है। वेयर आई लिव एवरीथिंग इज़ स्मॉल, वो बताते हैं कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ हर चीज़ बहुत छोटी है। वॉट आई नीड इज़ अ शीप, मैं जो चाहता हूँ वो सिर्फ एक शीप है, ड्रॉ मी ए शीप, सिर्फ आप मेरे लिए एक शीप को ड्रॉ कर दीजिए। सो देन आई मेड अ ड्रॉइंग, अब देखिए उसने एक शीप को ड्रॉ किया। ही लुक्ड एट इट केयरफुली देन ही सेड, उसने उसको केयरफुली देखा और उसने कहा, नो दिस शीप इज़ ऑलरेडी वेरी सिकली, मेक मी अनदर, सो आई मेड अनदर ड्रॉइंग। वो कहता है कि ये शीप बहुत ही ज़्यादा उसके लिए क्या होती है, बड़ी होती है, जो उसको वैसी लगती है, सिकली लगती, थोड़ी सी बीमार लगती है, बड़ी भी लगती है उसके हिसाब से। उसने कहा कि दूसरी बनाई है, सो आई मेड अनदर ड्राइंग, तो उसने दूसरी ड्राइंग बनाई। माई फ्रेंड स्माइल्ड एंड जेंटली एंड इंटेलिजेंटली, वो हंसा थोड़ा सा काइंडनेस से। यू सी योर सेल्फ ही सेड, दिस इज़ नॉट अ शीप, उसने कहा आप अपने आप को देखिए, ये शीप नहीं, दिस इज़ अ रैम, इट हैज़ हॉर्न्स, ये शीप नहीं है, इसके पास हॉर्न्स है, इसके पास सींघे हैं। सो देन आई डिड माई ड्राॅइंग ओवर वंस मोर, फिर से उसने ड्राॅइंग की, बट इट वॉज रिजेक्टेड, फिर से रिजेक्ट हो गई। टू जस्ट लाइक द अदर्स, वैसे ही रिजेक्ट हुई जैसे पहले की दो रिजेक्ट हो चुकी थी। दिस वन इज़ टू ओल्ड, ये बहुत पुरानी थी। आई वॉन्ट अ शीप दैट विल लिव अ लॉन्ग टाइम, वो कहता है उसे ऐसी शीप चाहिए थी जो कई टाइम तक जिए, जिंदा रहे, लिव करें। बाय दिस टाइम माई पेशेंस वॉज एग्जास्टेड, अब वो थोड़ा सा इरीटेट हो रहा था, उसका जो धैर्य था वो ख़त्म हो रहा था, बिकॉज आई वॉज इन हरी टू स्टार्ट टेकिंग माई इंजन अपार्ट, क्योंकि उसे थोड़ा जल्दी थी कि वो जल्दी से अपना इंजन सही करे और वहाँ से चला जाए। सो आई टॉस्ड ऑफ माई ड्राॅइंग, सो उसने अपनी ड्राॅइंग को थोड़ा सा टॉस कर दिया, मतलब वो शेप जैसा कुछ नहीं बनाया। एंड आई थ्रू आउट एन एक्सप्लेनेशन विद इट, और उसने एक्सप्लेनेशन भी दिया उसके साथ,
बिना सोचे ही उसने एक्सप्लेनेशन दिया। उसने क्या किया, एक बॉक्स बनाया, उसमें 3 डॉट जैसा बना दिया और बिना कुछ सोचे, जैसे कहानी नहीं बताते उसने कि कहानी बता दी, दिस इज़ द ओनली बॉक्स द शीप यू आस्क्ड फॉर इस इनसाइड। उसने क्या कहा कि ये मैंने एक बॉक्स बनाया और जिस शीप की तुम बात कर रहे हो वो इसके अंदर है। उसने ऐसा कहा उस ड्राइंग को दिखा के, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन किससे उसने बस बता दिया था तुरंत। आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी अ लाइट ब्रेक ओवर द फेस ऑफ माई यंग जज। उसे बहुत ही अच्छा लगा अचानक से, मतलब वो खुश हो गया उस बॉक्स को देख के, जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी कि जो इतना मैं शीप बना रहा था उससे नहीं खुश हो रहा था, मैंने एक बॉक्स बना दिया, उससे बोल दिया कि शीप इसके अंदर है। ही वॉज़ वेरी हैप्पी। दैट इज़ एग्जैक्टली द वे आई वॉन्टेड इट, द बॉय सेड, कि ये वही है जो मैं चाहता था। डू यू थिंक दैट द शिप विल हैव टू अ ग्रेट डील ऑफ ग्रास। आपको पता है कि शिप क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे बात क्या चल रही है, वाई, बिकॉज देयर आई हैव समथिंग इज़ वेरी स्मॉल। यहाँ पे बात क्या हो रही है, वो पूरी बात उसे समझाता है कि जैसे शिप पहले वो बना रहा था वो बड़ी शिप्स थी, और वो कहता है कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ हर चीज़ बहुत छोटी होती है, तो उसकी दुनिया ही अलग रहती है उसके हिसाब से। तो बड़ी शिप लेके जाता तो उस तरह की जो ग्रासेस थी वहाँ अवेलेबल नहीं होती, तो अब ये जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर जो छोटी सी शिप होगी ना, तो वहाँ की जो ग्रास होगी वो उसके लिए अवेलेबल होगी। देयर विल श्योरली बी एनफ ग्रास फॉर हिम। वो कहता है कि हमारे यहाँ पे इसके लिए एनफ ग्रास होंगी। आई सेड, उसने कहा, इट इज़ वेरी स्मॉल शेप दैट आई हैव गिवन यू, ये बहुत ही छोटी सी शेप है जो मैंने तुम्हें दी है। ही बेंट हिज हेड ओवर द ड्राॅइंग, उसने अपनी ड्राॅइंग के ऊपर अपने सर को झुकाया। नॉट सो स्मॉल दैट लुक, ही हैज़ गॉन टू स्लीप एंड दैट इज़ हाउ आई मेड द एक्विटेंस ऑफ द लिटिल प्रिंस। इतनी भी छोटी नहीं है, वो बच्चा बोलता है और कहता है वो सोने चली गई है, और फिर वो बोलता है इस तरह से मैंने उस छोटे से बच्चे को जाना, छोटे से लिटिल प्रिंस को जाना, उसकी बातों को जाना कि कैसे वो हर चीज़ को समझता और कैसे हर चीज़ में इमेजिन करना जानता। देखो क्या होता है, वो स्टार्टिंग में, ये चैप्टर हमारा यहीं पे एंड होता है, लेकिन होता क्या है, स्टार्टिंग में वो लोगों को दिखाता है अपनी ड्राइंग को, कोई नहीं समझ पाता, लेकिन वो छोटा सा जो लिटिल प्रिंस रहता है वो उसको देखते ही मान समझ जाता है। क्यों समझ पाता है, क्योंकि उसके पास पावर ऑफ इमेजिनेशन होता। वो किसी भी चीज़ को क्या होता है, हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो हम इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हैं ना। अब हम उसे किस वे में इमेजिन करते हैं, अच्छे में, गंदे में, बुरे में, बहुत ही अच्छे में, कैसे इमेजिन करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो बड़े क्या करते हैं, उसे ऐसा लगता है जो ग्रोन अप होते हैं वो उसको बहुत अच्छे से इमेजिन नहीं कर पाते, दैट्स वाई दे डिडेंट कम टू नो दैट दैट वाज बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर। लेकिन ये छोटा सा बच्चा बहुत ही अच्छे से इमेजिन करता है। जैसे कि आप सोचो कि इसने बॉक्स को इमेजिन कर लिया कि इसमें शीप रहती है, छोटी सी शीप है, वो सोने जा रही है, निकलेगी, वो छोटी है, उसकी आँखें ग्रासेस को भी खा सकती है, मतलब उसने इतना कुछ इमेजिन कर लिया जो वो रियल शीप को भी सोच के नहीं इमेजिन कर सकते। सो ही हैज एन ग्रेट इमेजिनेशन पावर। So this was our second chapter. Hope you get that. So if you have not understand anything, you can message me or you can ask to me in the comment section. Thank you for watching the video. If you like the video, then subscribe the channel and press the bell button so that you can get the notification. Take care. Have a good day.